वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसवी टासु। बीपीएससी ट्री क्लास 6-8 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है रुकमणी प्रकाशन की बुक से सोशल साइंस के लिए, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 5 तक ऑलरेडी करा दिया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे अधिक कंपटीशन आपका 6-8 में रहने वाला है, क्योंकि इसमें बीएड, डीएलएड, बीबीए, इंजीनियरिंग, अदर स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे, इसलिए सबसे अधिक तगड़ा कंपटीशन 6-8 में है। इसलिए रात दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो दोस्तों, अशोक स्तंभ का संबंध है सांची से, ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्राचीनतम इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध सांची स्थान से है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? लोदी वंश की नींव रखी गई थी बहलोल लोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। लोदी वंश की नींव बहलोल लोदी के द्वारा रखी गई थी। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष डैश में अंग्रेजों द्वारा रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1858 में अंग्रेजों के द्वारा रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो दोस्तों, वह वर्ष था वर्ष 1526 का, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा कर लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? तो दोस्तों, वह साम्राज्य हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसके साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। मौर्य साम्राज्य की सीमा ईरान से लगती थी। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकीकृत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पांच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पांच चिन्हित सिक्के चांदी और ताम धातु से बने होते थे। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी। बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासन काल से भारत आया था। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा था लुई 16वां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सम्राट अशोक के बारे में जो कथन असत है वह है ऑप्शन नंबर बी। चाणक नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कोटिल भी कहा जाता है अशोक का विरोध किया था, जो कि गलत कथन दिया गया है।
बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं अशोक के बारे में। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। अशोक ने जिस साम्राज्य का शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, यह भी कथन सही है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्षाय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप का। वर्षाय की संधि यूरोप का मानचित्र बदल दिया। प्रथम विश्व के समापन पर पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। जर्मनी के साथ वर्षाय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में डैश से प्रकाशित किया गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में प्रकाशित किया गया था कोलकाता से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, खिलजी राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया था। खिलजी राजवंश ने शासन किया था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में पुरातिक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्ज होम में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल बुर्ज होम है। बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान, यह श्रीनगर उत्तर पश्चिम में झेलम नदी तट पर स्थित नवपाषाणिक स्थल है, जहां युग्मित शबदा के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोथल स्थित है गुजरात राज्य में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों वह रियासत थे अवध, ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। लॉर्ड डलोजी ने 1856 ईस्वी में अवध राज को कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया था। अवध की शुरुआत में राजधानी फैजाबाद थी, आगे चलकर अवध राज की राजधानी लखनऊ थी। लॉर्ड डलोजी के द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया था। सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा राज को हड़प नीति के अधीन छीना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पलासी की युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफर को, ऑप्शन नंबर ए। पलासी की लड़ाई जो कि 23 जून 1757 को हुई थी। अगला प्रश्न है, 1751 ईस्वी में ई सीज ऑफ अकाट यानी कि अर्काट के युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज। 1751 ईस्वी में ई सीज ऑफ अर्काट यानी कि अर्काट की युद्ध घेराबंदी में अंग्रेज विजयी हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के मध्य हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 में किया था। बंगाल विभाजन के द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहता था। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द डैश को संदर्भित करता था। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द संदर्भित करता था प्रशासनिक इकाई को। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के डय से भाग नामक कर एकत्रित करते थे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसानों से। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भाग नामक कर एकत्रित करते थे। भागदूत भाग को वसूल करने वाले अधिकारी होता था। भारत में प्राचीनतम भू राजस्व भाग नाम से लिया जाता था। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक के पठार के पहाड़ी हिस्सों को दर्शाता है? तो दोस्तों वह शब्द हो जाएगा मालनाड, ऑप्शन नंबर सी। मालनाड शब्द कर्नाटक के पठार के पहाड़ी हिस्सों को दर्शाता है। कर्नाटक का पठार दो भागों मालनाड और मैदान में विभाजित है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश का। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिस्सा है हिंद महासागर का, ऑप्शन नंबर ए। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत के जिस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है वह है पिट्टी द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। भारत में निर्जन द्वीप में एक पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। नागी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। बंदेली वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है, जबकि घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो दोस्तों वह महासागर है हिंद महासागर का, ऑप्शन नंबर सी। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए। परावर्तन महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों में चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव ज्वार की उत्पत्ति पर पड़ता है। लघु ज्वार प्रत्येक सप्तमी अथवा अष्टमी को आता है। जब कोई तरंग दो माध्यम के मिलन तल पर आकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे तरंग का परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन बेतवा परियोजना। केन बेतवा भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। केन बेतवा दोनों नदियां यमुना की सहायक नदी है। भारत में नदी जोड़ों का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन क्रस्ट युग में माना जाता है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। इस पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1920 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी की। जवाई बांध जवाई नदी पर जलाशय है, वह लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नीम में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? जो बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है वह बांध का नाम है चांडिल बांध, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि की वह शाखा को क्या कहा जाता है जो बगानी फसलों, सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो दोस्तों वह शाखा का नाम हो जाएगा बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर। जबकि कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है, मधुमक्खी का पालन एपिकल्चर में, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंडोलॉजी में, अंगूर की खेती विटीकल्चर में, फलों का उत्पादन पोमोलॉजी में, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर में, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर में, सब्जियों का उत्पादन ओलेरिकल्चर में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर 10 मीटर से अधिक ऊंची खाड़ी पहाड़ी की पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600 मीटर। आमतौर पर 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी की पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले एक अणु पाया जाता है, यह एक परत बनाता है जिसे डैश नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओजोन मंडल के नाम से। वायुमंडल के ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है, यह एक परत बनता है जिसे ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी काराकोरम श्रेणी में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 काराकोरम श्रेणी पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंखर पुनसुम ऑप्शन नंबर सी। जबकि भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की आधिकारिक भाषा जोंखा है, भूटान की मुद्रा न्यू गल्ट्रम है, भूटान की संसद को तसंगंडू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पिछोला झील स्थित है राजस्थान के उदयपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यमुना बर्फ पोषित नदी है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बांध संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैशिक खतरा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी डोलामाइट खनन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम परिवर्तन होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों राज्यसभा से संबंधित सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी वर्ष 1980 में, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल। वर्तमान 2023 समय में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या है 6 और अभी नया बना है पार्टी आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बालाश्रम के निषेध पर जोर देता है? तो दोस्तों वह मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में से शोषण के विरुद्ध अधिकार बालाश्रम के निषेध पर जोर देता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 23 बालाश्रम को निषेध करता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का
वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में उल्लेखित था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधि प्राप्त न हो। तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 331 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में उल्लेखित था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन इसे अब हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? तो दोस्तों वह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के 1938 ईस्वी में जो कि हरिपुरा गुजरात में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में गांधी जी द्वारा अधिकृत पटा सीतारमैया को पराजित कर त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में गतिरोध उत्पन्न होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों का दमन करना था। जब रोले एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों में। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? संघीय सरकार की विशेषता नहीं है एक सदनीय विधायिका, ऑप्शन नंबर ए, जबकि संविधान की सर्वोच्चता दोहरी सरकार, यह दोनों संघीय सरकार की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों वह वर्ष हो जाएगा वर्ष 1976 का, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है। 1976 में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 1976 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 को में अनुच्छेद 51 को के तहत रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के 1.5 घंटे की अवधि के भीतर
गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो दोस्तों यह हो जाएगा 24 घंटा का ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन 1992 के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों वह अधिनियम हो जाएगा आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। 1813 का चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। 1813 का चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषता है, पहला है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए औपचारिक रूप से मान्यता दे दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 149। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का वर्णन है। अगला प्रश्न है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 को निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों वह धारा हो जाएगा धारा 4, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 4 में चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में जो एक्ट अधिनियमित किया गया था वह हो जाएगा आपका देसी प्रेस अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम लाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने लाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अमृत बाजार पत्रिका समाचार इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में छपने लगी थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4A। भारत में संविधान का भाग 4A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते क्रेडिट के अनौपचारिक प्रमुख स्रोत क्या हैं? बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते क्रेडिट के अनौपचारिक प्रमुख स्रोत हैं सहकारी समितियां, ऑप्शन नंबर बी। 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समिति को संवैधानिक संरक्षण और स्थिति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश टैक्स उन लेन देन पर लगाया जाता है जिनमें नकारात्मक बाध्यता शामिल होती है, जैसे प्रदूषण। तो दोस्तों वह कर का नाम हो जाएगा पिगोवियन, ऑप्शन नंबर बी। पिगोवियन टैक्स उन लेन देन पर लगाया जाता है जिनमें नकारात्मक बाह्यता शामिल होती है, जैसे प्रदूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग के संदर्भ में बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए
डैश एक संक्षिप्त ग्रुप है, CTS का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। बैंकिंग के संबंध में CTS का फुल फॉर्म है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक है जॉन मेनार्ड कीन्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन शीर्ष स्तर के हाउसिंग से संबंधित संस्थान भारत में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक। राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक शीर्ष स्तर पर हाउसिंग से संबंधित भारतीय संस्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान ऋण की अधिकतम राशि कितनी है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान ऋण की अधिकतम राशि 50,000 है। मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 10% नकदी के रूप में रखते हैं, यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं, आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 15% नकदी के रूप में रखते हैं, यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्ति या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी निवेश बैंकिंग। निवेश बैंकिंग संचालन का विशेष खंड है जो व्यक्ति या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में GNP का पूर्ण रूप क्या है, अर्थशास्त्र में GNP का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का डैश स्टॉक एक्सचेंज है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन नंबर ए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भेल का पूर्णरूप क्या है, तो दोस्तों भेल का पूर्णरूप है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता के ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर ले गए जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों क्षमताओं स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया, तो दोस्तों वह अर्थशास्त्री हो जाएंगे अमर सेन, ऑप्शन नंबर सी। अमर सेन अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों क्षमताओं स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विद्वानों का मत है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कहा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। मानुष जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन अर्थशास्त्र है, यह कहा गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा, आंसर है ऑप्शन नंबर सी रुपये का मूल्यह्रास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए, तो दोस्तों वह अवधारणा हो जाएगी सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ऑप्शन नंबर बी। सकल राष्ट्रीय खुशहाली अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की संस्तुति की जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है, जो कि गलत कथन दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में यह कथन गलत है कि 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की संस्तुति की जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। हिल्टन यंग आयोग का गठन 1926 ईस्वी में किया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। आरबीआई गठन के लिए सिफारिश की गई थी हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश के आर्थिक सर्वेक्षण में थॉलीनॉमिक्स यानी कि थाली शास्त्र पेश किया गया था? तो दोस्तों वह आर्थिक सर्वेक्षण था 2019-20 का, ऑप्शन नंबर बी। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनॉमिक्स पेश किया गया था। थालीनॉमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र है, अर्थात यह भारत में एक व्यक्ति द्वारा एक थाली हेतु किया जाने वाला भुगतान का मापन का प्रयास है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1949 में डैश का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक का। वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।